कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। लगातार पांचवें दिन कोरोना केस की संख्या घटी है और 8 महीनों बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,058 नए कोरोना केस आए हैं और 164 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 19,470 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 6,576 एक्टिव केस कम हो गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 60 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 10 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इसका पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 98.12% है। एक्टिव केस 0.56% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। वहीं बात करें नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले मंगलवार को 21 नए मामले, बुधवार को 43 नए मामले, गुरुवार को 27 नए मामले, शुक्रवार को 18 नए मामले, शनिवार को 10 नए मामले, रविवार को 20 नए मामले, सोमवार को 25 नए मामले और आज मंगलवार को 5 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 83,697 से 83,702 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामले में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।